सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद K2 टेलीविजन का कि पार्टनरशिप फिर से हो चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एज रीजनल मीडिया पार्टनर्स, एंड इसके अंदर ऑब्वियसली वी विल बी प्रमोटिंग ऑल दी एक्टिविटीज़ बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड देयर टीम एंड बिहाइंड द सीन वो सारा कुछ होता है। आप इस पर क्या कॉमेंट देंगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को कैसे देखती हैं आप, PSL 8 के अंदर कैसा परफॉर्म करेंगी, क्या उम्मीदें इस टीम के साथ? आप बिल्कुल कैमान भाई, तमाम K2 की फैमिली को भी मुबारकबाद कि हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ दोबारा से री यूनाइटेड हुए हैं। तो इस्लामाबाद की टीम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद की टीम में जिस तरह सैमर भी बात कर रहे थे कि हमेशा मार धाड़ और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि छक्के चौके लगाने वाले उन्होंने प्लेयर्स जो है वो हमेशा से वो सेलेक्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी टीम इस दफ़ा अपने होम ग्राउंड पे 5 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के पिंडी में, तो और मैचेस पिंडी को भी मिले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और लास्ट सीजन जो मेरे ख्याल में पिंडी में आखिरी दफ़ा PSL हुआ था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस खेली थी पिंडी में और पाँचों के पाँचों मेरा ख्याल है कि वो लोग हारे थे, एक मैच उनका ड्रॉ हुआ था बाकी 4 मैचेस वो हारे थे। उम्मीद है कि इस दफ़ा बहुत अच्छा करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड होम ग्राउंड पे, क्या उसको कहते हैं कि कोविड के बाद से पहली दफ़ा वापस आ रहे हैं, तो अच्छे प्लेयर्स हैं। मुझे मैं जो जिसकी फैन हूँ दैट इज एलेक्स हेल्स, एलेक्स हेल्स मुझे बहुत पसंद है, तो आई एम एक्साइटेड टू सी हिम इन पिंडी। सही एमर।